नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, जो हमारे जीव जंतु अथवा पृथ्वी पर सभी जीवन चक्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पौधों के कितने भाग होते हैं यह जानेंगे, जैसे जड़, तना, पत्ते या पुष्प या फूल आदि। फिर हम अंत में हमने जो जो पढ़ा उसका हम सार जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शाख, झाड़ी या और वृक्ष। दोस्तों, हमने जो वर्गीकरण देखा वह तने के आकार व माप के आधार पर किया गया था। तो हमने देखा पौधे तीन प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी व वृक्ष। सबसे पहले देखते हैं शाख क्या होता है। शाख छोटे तने वाले छोटे पौधे होते हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे भाजी, करेला आदि। अब झाड़ी के बारे में जानते हैं। झाड़ी में मुख्य तना काष्ठी होता है तथा छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उदाहरण के लिए नींबू, गुलाब आदि। अब वृक्ष के बारे में जानते हैं। वृक्ष में मुख्य तना मोटा मजबूत होता है तथा ऊपर जाकर शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उदाहरण के लिए आम, शीशम आदि। दोस्तों, आप इन तीनों प्रकार के पौधों से परिचित होंगे। आप यहाँ पर कुछ चित्र दर्शाए गए, उनसे कुछ समझ सकते हैं। जैसे यह झाड़ी का दृश्य है तथा यह शाख के लिए दर्शाया गया है। दोस्तों, हमने पौधों का वर्गीकरण देखा। अब हम जानेंगे पौधों के कितने भाग होते हैं। पौधों के हम मुख्यतः चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जड़, दूसरा तना, तीसरे पत्ते, चौथा पुष्प या फूल। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ हमारे पौधे का सबसे निचला हिस्सा होता है। यह वह हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है। यह भूमि में मौजूद जल तथा उसे विलीन खनिजों को सोख लेता है, जो तने से होकर पौधे के हर भाग तक पहुंचते हैं। जड़ पौधे की नींव होते हैं। यह पौधों को जमीन से जकड़े रखते हैं। अतः जड़ दो प्रकार के होते हैं, पहला मूसला जड़ और दूसरा रिशेदार जड़। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, जिसे मूसला कहते हैं, और उससे छोटी जड़ें जुड़ी होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पौधे में यह एक मुख्य जड़ है, जिससे काफी छोटी छोटी जड़ें जुड़ी हुई हैं। यह मूसला जड़ का उदाहरण है। अतः रेशेदार जड़ में सभी जड़ें एक समान दिखाई पड़ती हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इस चित्र में दर्शाया गया है, सभी जड़ें एक समान हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं दिखाई पड़ती, सभी जड़ें एक समान समझ आती हैं तथा यह रेशेदार जड़ का उदाहरण है। दोस्तों, हमने जड़ के बारे में जाना। अब हम पौधों के दूसरे भाग मतलब तने के बारे में जानेंगे। तना पौधे की ऊपरी संरचना को सहारा देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर को हड्डियां सहारा देती हैं, एक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं, उसी प्रकार तना पौधे के ऊपरी संरचना को सहारा देते हैं। यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिजों का संचार पूरे पौधे में करते हैं। यह जड़ से प्राप्त जल व खनिज पूरे पौधों में जैसे पत्ते, फूल आदि में पहुंचाते हैं। तना पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं।
दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे पत्तों के बारे में। तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना तथा वाष्पोत्सर्जन करना है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, यह कार्य पत्तों में होता है। एक तरह से हम पत्तों को पौधों का रसोई भी कह सकते हैं। तथा वाष्पोत्सर्जन दोस्तों वह क्रिया है, इसमें पौधे अपना अनावश्यक जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और यह कार्य भी पत्तों द्वारा किया जाता है। पत्तियों में जो रेखित संरचनाएं होती हैं, अगर आप कभी पत्तों को ध्यान से देखें तो उनमें कुछ संरचनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। उन संरचनाओं को शिरा कहते हैं। मध्य में मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। इन शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर फैला हुआ है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह मध्य शिरा है और इसकी दोनों ओर डिजाइन जो बना हुआ है, अगर इस तरह का डिजाइन हो तो यह विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अतः अगर शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं तो यह विन्यास समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, जो शिराएं हैं वो समांतर प्राप्त होती हैं। इस तरह के विन्यास को हम शिरा विन्यास कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पौधे के उस भाग की जिसकी वजह से पौधे और भी सुंदर दिखाई पड़ते हैं, अर्थात पुष्प। पुष्प मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इस चित्र में यह पंखुड़ियां हैं तथा यह संरचना पुष्प केसर है। अतः यह जो मध्य में दिखाई पड़ता है, इसे स्त्री केसर कहा जाता है। फूल के परिपक्व होने पर पुंकेसर से निकले पराग कण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। इस संरचना को पराग कण कहा जाता है। तथा पुष्प के परिपक्व होने पर यह पराग स्त्री केसर तक पहुंच जाते हैं, इस जिसे परागण की प्रक्रिया कहते हैं। इस क्रिया के कारण बीज का अंडाशय फल बन जाता है। अतः यह पुष्प का मुख्य कार्य है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ, अर्थात शब्दावली सेक्शन। इसका उद्देश्य है हम अपने दर्शकों की शब्दावली में कुछ बढ़ोतरी लाएं। तो सबसे पहला शब्द है कंसर्न, जिसका अर्थ है समथिंग दैट इंटरेस्ट यू बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, अर्थात चिंता या मामला। उदाहरण के तौर पर, द लेटर इज फॉर बोथ ऑफ अस बट इट मेनली कंसर्न्स यू, अर्थात यह पत्र हम दोनों के लिए है पर इसमें जो मुख्य मामला है वह तुम्हारे लिए है। दूसरा शब्द है एस्टेब्लिश, इसका अर्थ है टू स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन डेट इज मीन टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अर्थात स्थापित करना कोई चीज या कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना जिसका उद्देश्य ज्यादा समय तक चलने से हो। उदाहरण के तौर पर, द कमिटी वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1924 1912। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सार की तरफ, अर्थात हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पौधों की चर्चा की, उनके प्रकार के बारे में जाना, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं यह देखा, तथा सभी भागों और उनके कार्यों के बारे में जाना। तो दोस्तों, आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी प्रकार जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।